हेलो स्टूडेंट, इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिए गए चित्र में ज्ञात कीजिए, एक परपथ दिया हुआ है, तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस परपथ का परपथ में बहने वाली धारा निकालनी है और तीन ओमेगा प्रतिरोध वाले चालकों के सिरों के बीच जो विभवांतर है, यानी इस प्रतिरोध वाले विभवांतर के में विभवांतर निकालना है। इस प्रतिरोध में तो इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक ओमेगा, दो ओमेगा, दो ओमेगा और तीन ओमेगा के प्रतिरोध लगे हुए हैं। तो सबसे पहले ये जो प्रतिरोध दिखाई पड़ रहे हैं हमें, ये हमारे हैं समांतर क्रम में। तो दो ओमेगा व दो ओमेगा परस्पर समांतर क्रम में हैं, समांतर क्रम में हैं। तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, हम इसको एक आर वन मान लेंगे इन दोनों के तुल्य प्रतिरोध को। तो एक बट्टे दो ओमेगा प्लस एक बट्टे दो ओमेगा, यानी उल्टा करके जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा दो बट्टे दो ओमेगा, यानी दो से दो कट गया, एक बट्टे ओमेगा एक ओमेगा। तो यहाँ आर वन बराबर आ जाएगा हमारे पास एक ओमेगा। तो अब हमारे पास परपथ इस तरह से बन जाएगा। देखिए परपथ में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा क्योंकि हमने दोनों को कंबाइन कर दिया यहाँ पर। तो ये मेरा बन गया एक ओमेगा और ये मेरा बन गया तीन ओमेगा। तो तीन ओमेगा, एक ओमेगा और एक ओमेगा, और ये हमारे पास 10 वोल्ट की बैटरी है। तो करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देख रहे हैं यहाँ पे एक ओमेगा दो एक ओमेगा और तीन ओमेगा सीधे सीरीज क्रम में है। अगर मैं यहाँ से तार को काट देता हूँ और इधर से काट देता हूँ, बैटरी को उठा देता हूँ यहाँ से, तो सीधा हो जाएगा तार, अर्थात ये श्रेणी क्रम में आ जाएंगे। अब एक ओमेगा व तीन ओमेगा परस्पर श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में आप जानते हो तुल्य प्रतिरोध आर बराबर होता है आर वन प्लस, क्योंकि आर वन हम यहाँ निकाल चुके हैं, आर वन प्लस वन ओमेगा प्लस थ्री ओमेगा। आर वन भी हमने वन ओमेगा निकाला था, वन ओमेगा ये है ही, और तीन ओमेगा, इस तरह से ये पाँच ओमेगा आ गया। तो पहला हमारा आंसर हुआ पाँच ओमेगा। अब हम दूसरा निकालना चाह रहे हैं। दूसरा मैं पूछ रहा था परपथ में बहने वाली धारा ज्ञात कीजिए। तो धारा देखिए क्या है, धारा हम जानते हैं यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है, बैटरी का वोल्टेज 10 वोल्ट और ये प्रतिरोध मेरा आ गया 5 ओमेगा। तो ओम के नियम से वी बराबर होता है आई आर, यानी वोल्टेज बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। तो वोल्टेज मुझे दिया हुआ है 10 वोल्ट और आई मुझे निकालनी है, आर मेरे पास 5 है, तो 5 × 10 इस तरह से 2 एम्पियर इस सर्किट की धारा होगी, इस सर्किट की धारा 2 एम्पियर होगी। और अब हमें निकालना है कि 3 ओमेगा वाले रेजिस्टेंस में प्रतिरोध में कितना वोल्टेज है। तो यहाँ पर बी निकालना है, यहाँ पे आई हमारे पास 2 है और आर हमारे पास 3 ओमेगा है। तो बी बराबर आई आर लगा दूंगा मैं, ओम का नियम, आई मेरे पास 2 है, बी 3 है, तो 2 × 3 = 6 6 वोल्ट इसके अंदर प्रभावित हो रहा होगा। तो जैसा कि आप जानते हो श्रेणी क्रम में धारा समान होती है जबकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। तो ये था एक प्रश्न, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। वीडियो पसंद है तो कृपया लाइक जरूर करें, चैनल को शेयर एवं सब्सक्राइब भी कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।